एनिमल हाइब्रिड पिक्चर क्रिएट करना चाहते हो और व्यूवर्स हाइब्रिड आइडिया वाली वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हाइब्रिड पिक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आप हाइब्रिड व्यूवर्स वाली वीडियो कैसे बना सकते हो। और मैं ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा और आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एनिमल हाइब्रिड पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो एनिमल की जरूरत पड़ेगी या फिर आप जितने भी एनिमल उसमें ऐड करना चाहिए तो कर सकते हैं। और आपको अपना मिक्स हाइब्रिड वाली फोटो भी बनानी है तो उसका भी प्रॉम्प्ट या फिर आइडिया चाहिए। दोस्तों आपको पिक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चैट जीपीटी टाइप कर लेना है क्योंकि दोस्तों हमें प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ने वाली है जो कि हम चैट जीपीटी से जनरेट करने वाले हैं। चैट जीपीटी टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है जो कि बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कैसे लॉगिन करना है। आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है तो आप यहाँ से चैट जीपीटी में लॉगिन हो जाओगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा टाइप करने वाला, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है जिस भी एनिमल का आप प्रॉम्प्ट चाहते हो उसका आप प्रॉम्प्ट यहाँ से पूछ सकते हो। जैसे कि मुझे एक टाइगर और ड्रैगन का प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे एरो के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़े सेकंड का वेट करना है और चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगी। और अब इस प्रॉम्प्ट को कैसे यूज करना है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के होम पेज पे आ जाना है और आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है लियोनार्डो AI। टाइप करने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कनेक्ट विद गूगल पे आपको क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है तो आप इसमें एंटर हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों आप इसमें अपना नाम ऐड कर लेना। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आप लियोनार्डो AI में लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से इमेज जनरेट करनी है। तो दोस्तों आप होम पेज देख सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा AI टूल्स के अंदर इमेज क्रिएशन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे रेशियो सिलेक्ट कर लेना, आप जिस भी रेशियो में सिलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ से 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ मोबाइल वाला। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक कर देना है। क्रॉस पर क्लिक करने के बाद जो ये डिफॉल्ट सेटिंग देखने को मिल रही है ऊपर, ये आपको डिफॉल्ट ही रहने देनी है। और दोस्तों अब आपको जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया था वो प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे थोड़ा लोड होगा और दोस्तों आपको यहाँ पे चार बॉक्सेस देखने को मिल जाएंगे जिनमें जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फोटो बन के आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है 24 से 25 सेकंड। तो दोस्तों देख सकते हो प्रॉम्प्ट के हिसाब से दोस्तों पिक्चर बन के आ चुकी है। आप देख सकते हो कि टाइगर है और टाइगर के यहाँ पे ड्रैगन के जो पंख होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में हाइब्रिड पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इनमें से जो आपको अच्छी लगती है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे एक काम यहाँ से कम्प्लीट हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फोटो चाहिए जिसके अंदर आपको ड्रैगन भी देखने को मिले और टाइगर भी देखने को मिले। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आना है ऊपर और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और सिलेक्ट ऑल पे करके आपको यहाँ से क्रॉस कर देना है। क्रॉस कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा अपने कीबोर्ड में, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे जिस भी तरह का आपको प्रॉम्प्ट चाहिए वो आप यहाँ से खुद से पेस्ट कर सकते हो तो आपको यहाँ पे एक अच्छी फोटो देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट वो यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा वेट करना है और दोस्तों आपके यहाँ से पिक्चर बन के आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। सो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ड्रैगन और टाइगर का यहाँ पे फोटो बन के आ चुका है जिसमें कि दोस्तों आप डेमो के तौर पर यहाँ पे बता सकते हो कि टाइगर और ड्रैगन ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और दोस्तों कुछ इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका यह फोटो दोनों क्रिएट हो गई। अब दोस्तों आपको वीडियो बनाने की बारी आती है, तो आपको वीडियो कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो फोटो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको भी इसी तरीके से आपके जितने भी फोटो चाहिए वीडियो बनाने के लिए वो फोटो आपको यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। दोस्तों आपको यहाँ पे टोकन यहाँ से आपको कम पड़ता है तो दोस्तों आपको इसको लॉग आउट करके अपनी अलग ईमेल आईडी से इसको लॉग इन कर लेना है तो आपको फिर से यहाँ से 150 टोकन देखने को मिल जाएगा जिससे कि दोस्तों आप यहाँ से पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको सभी पिक्चर क्रिएट कर लेनी है। अब दोस्तों आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ से कैपकट या फिर आप VN ऐप के अंदर आ सकते हो, तो आप कोई सा भी ऐप यूज कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ से VN ऐप उसको यहाँ से यूज करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर
क्लिक करना है और आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पिक्चर हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से 10 फोटो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सारी फोटोज आ जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे ओरिजिन पर क्लिक करना है और दोस्तों अब आपको यहाँ से कोई सा भी रेशियो सिलेक्ट कर लेना है जिस भी रेशियो में आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों आपको यहाँ पे एक अपना सॉन्ग है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपको म्यूजिक पे जाना है। दोस्तों आपको यहाँ से जो हाइब्रिड वाला सॉन्ग है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करना है जिससे कि दोस्तों आपका वीडियो वो यहाँ पे MP3 में हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और दोस्तों आप यहाँ पे बीट का ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ पे बीट भी लगा सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सॉन्ग ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पे भी बीट देखने को मिलती है वहाँ पे आपको अपनी फोटो को चेंज करना है। तो किस तरह से करना है दोस्तों, मैंने यहाँ से बीट है वो यहाँ से ऑलरेडी ऐड की हुई है जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पे हर बार वीडियो बनाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप जल्दी से वीडियो को बना सकते हो। और दोस्तों आपको फोटो कुछ इस टाइप से एडजस्ट करते जाना है, जहाँ पे बीट आएगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फोटो एकदम फिक्स हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से अपने फोटो को यहाँ पे लगाते जाना है बीट के हिसाब से, तो आपका वीडियो यहाँ से थोड़ा बहुत एडिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से जल्दी से यह फोटो इसको यहाँ से जल्दी से एडिट कर लेता हूँ। और आपको जो लास्ट का पार्ट देखने को मिलता है उसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको इसके लेंथ को बढ़ा देना है और आपके यहाँ से फोटो है उसके हिसाब से, आपके साउंड उसके हिसाब से आपको वीडियो की लेंथ रख लेनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी फोटो को एडजस्ट कर दिया है बेड के हिसाब से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसमें एनिमेशन ऐड करना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और अब दोस्तों आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट इफेक्ट आपको लगाते जाना है। एक में आपको जूम इन लगाना है और जो सेकंड वाला रिजल्ट वाला आएगा उसमें आपको जूम आउट या फिर आप जैसा भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वैसा आपको लगा लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से जल्दी से इसको एडिट कर लेता हूँ ताकि वीडियो अपना लंबा ना हो। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी के यहाँ पे लगा लिया है इफेक्ट। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाली इमेज है अब दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे की फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है और जो फोटो इसको यहाँ पे कुछ स्टेप से जूम कर लेनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो चुका है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो के लास्ट में आना है और दोस्तों इसको यहाँ से कुछ हिसाब से जूम आउट कर देना है फोटो को और यहाँ से आपका जो इफेक्ट है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ से इफेक्ट थोड़ा अलग आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे इफेक्ट चेंज कर लिया हूं। और दोस्तों अब यहाँ से मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूं कि कैसा अपना वीडियो बनाए। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, अब दोस्तों इसमें दो चीजें ऐड करनी है। टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और दोस्तों आपको टेक्स्ट में यहाँ पे प्लस वाला जो सिंबल होता है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और कलर में आना है। और कलर में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई सा भी कलर जो फोटो पे मैच करता है वो कलर आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैं ऐसे सभी फोटो है वो उसको यहाँ पे कलर ऐड कर लेता हूँ और दोस्तों जहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे आपको इसको एडजस्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से सभी के एक बार लगा लेता हूँ जल्दी से। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी फोटो पे प्लस का सिंबल ऐड कर दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो कम्प्लीट हो चुका है और दोस्तों मैं इसको आपको सेव करके बता देता हूँ कि किस तरह का अपने रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों आपको सेव करने के लिए एरो पे क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसको जितने भी HD में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 1080p 60fps में इसको सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ सेलेक्ट करने के बाद। और दोस्तों यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों मैं इसका रिजल्ट बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमारा वीडियो बना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे हाइब्रिड एनिमल पिक्चर क्रिएट कर सकते हो और इस तरह से आप व्यूवर्स हाइब्रिड आइडिया वाली वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।